नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। खबर जनपद लखीमपुर से है, जहाँ लॉकडाउन के चलते जो भी नेपाली अलग अलग हिस्सों में काम करते थे उन सभी 129 लोगों को क्वारंटाइन करके तहसील पलिया के एक कलज में रखा गया है। 3 दिनों से नेपाल सीमा का निरीक्षण हो रहा है। नेपाल के अधिकारियों से बात भी हुई, किसी को भी सीमा के आर पार आने जाने की मनाही है। लखनऊ जोन के IG SK भगत नेपाल सीमा से सटे गौरी फंटा, चंदन चौकी, तिकोनिया, संपूर्णा नगर आदि सीमाओं का दौरा कर कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से रूबरू थे। उन्होंने बताया कि सीमा से ऐसे इनपुट मिले हैं कि घुसपैठिए घुसपैठ कर सीमा के आर पार जा रहे हैं। इस बारे में नेपाली अधिकारी व SSB के अधिकारियों से बात हुई है। ऐसे कई सबूत मिले हैं कि सीमा पर घुसपैठ हो रही है। जिला प्रशासन ने अच्छी तरह से आम जनता को लॉकडाउन का पालन कराया, इसको देखते हुए हो सकता है 20 तारीख के बाद जिले को कुछ राहत मिल जाए। जो इनपुट आई थी SSB के तरफ से, वो इनपुट हर लेवल पे, हर बॉर्डर पे शेयर की गई, और जो है ये जो इनपुट, आप इस पर्टिकुलर इनपुट की बात कर रहे हैं, ये प्रॉब्ली वीरगंज या उस तरफ की कोई इनपुट थी जो बिहार से जनरेट हुई है और किसी लेवल पे पहुंची थी। हम लोग को एक जनरल इनपुट आई थी, उस संबंध में मेरे नेपाल के अधिकारियों से भी बात हुई है। APS कहते हैं वहाँ पे, आम पुलिस सर्विसेज, वहाँ के कमांडेंट से बात हुई है, वहाँ के DM साहब की, हमारे DM साहब के, वहाँ के CEO से बात हुई है। इस तरह से कोई हमारे क्षेत्र में लखीमपुर के बॉर्डर पे या UP के बॉर्डर पे इस तरह की कोई अभी इनपुट, हमको इस तरह की स्पेसिफिक इनपुट नहीं है। हम लोग के पास जो जनरलाइज्ड इनपुट है उसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, और इसी अलर्टनेस को बढ़ाने के लिए कि कोई घुसपैठ ना हो जाए या कोई जो है जन, चूंकि आप जान रहे हैं कि पूरा नेपाल बॉर्डर फॉरेस्ट पूरस है, तो हमारे SSB के तमाम वरिष्ठ अधिकारी, कस्टम के अधिकारी, फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी, मैं खुद कल जो है लगभग 10-12 टोटल पोस्ट मैं खुद कवर किया हूँ कल और परसों के बीच में, और सभी को अलर्ट किया हूँ कि हर हालत पे हम लोग को जो बॉर्डर पे जो गश्त है, बॉर्डर पे जो पोस्ट है, वहाँ पे प्रभावी लॉकडाउन को एनफोर्स करना, तो वो करवाया जा रहा है। कोई स्पेसिफिक इनपुट आएगी तो उस पर हम लोग एक्ट भी करेंगे और अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।